एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। कौन से रेडियो पे सुना रहे तूने? अरे रेडियो स्टेशन पे नहीं, वो अपना बाजू वाला नहीं है मुन्ना, धोतर चोर नहीं, कसम से बोलता हूँ गुरु घंटाल आदमी है, मैंने खुद अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है। उन लोग बात कर रहे थे कम से कम 4 करोड़ रुपए चोरी करने की बात कर रहे थे, चोरी करके वो लोग अपने बाजू वाले कमरे में लाने वाले। तो जाके पुलिस स्टेशन में बताना हमें यहाँ ऊपर क्यों लाया। अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है, क्या है ना मालूम आपको? वो मुन्ना और उसके आदमी जब चोरी करने के लिए घर से निकलेंगे ना, अपन चुपचाप बेस बदल के उसके रूम में जाके बैठ जाएंगे, जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना, 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360 हिस्सा बराबर याद रखते हो, 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शेर छोड़ के ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? हाँ। बकवास कर रही है, हमें रोड पे ले आया अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबूया आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। अरे पहले हम लोग क्या कम फंसे हुए हैं, वो लोग 40 लाख मांगेंगे तो कहाँ से 40 लाख देंगे उनको? बाबू भैया वो काला सांड और वो कुतुब मीनार जब पैसे मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? पप्पू की बहन को क्या जवाब देगा? खुदकुशी करेगा यहाँ से? मर्डर करूंगा तेरा। बाबू भैया मैं तो बोलता हूँ फसाद की जड़ को बर्बादी के जड़ को नीचे फेंक देते हैं। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, ऊपर से नीचे नहीं बचूंगा, फेंक दो मुझे, फेंक दो, फेंक दे मेरे को, मारकर तुम लोग भी नहीं बचने वाले। अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। मैं समझता हूँ रे बाबा। क्या समझते हैं आप ठीक से समझिए, ये हमें डाका डालने के लिए समझा रहा है, फिर कल कहेगा कि उसका खून भी कर दो। बरोबर। अरे खाक बराबर है, मैं मंदिर से चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा हूँ, खून करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। तू समझा श्याम, ये खून करने को नहीं बोल रहा है रे। बाबू भैया गलत रास्ता है ये। यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है। मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है बाबू भैया। नहीं यही सही रास्ता है। सही रास्ता। अरे कैसे सही रास्ता है? मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तू बंदूक कहां से लाएगा राजू? उसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करेगा।